सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहा खंडवा। असल में आज हमारे प्रभारी महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री है जेपी अग्रवाल साहब, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी, आज हम पूरा रूट देखने आए हैं कि बुरहानपुर बॉर्डर से जहां से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पदयात्रा जहां से प्रवेश करेगी, उन सारे स्थानों को आज हम देखने आए, कहां रात्रि विश्राम होगा, कहां लंच होगा, कहां ब्रेकफास्ट होगा, सारा देख के व्यक्तियों की ड्यूटी लगाने आए हैं। तो उसी संदर्भ में आज खंडवा में बैठक थी, ये बैठक निपट गई, अब यहाँ से हम बुरहानपुर जा रहे हैं, वहाँ बैठक लेंगे। 2024 में किसी आस्था से कितना फायदा होगा? देखो साहब, एक बात आप समझ लो कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा किसी राजनीतिक उद्देश्य को लेके नहीं है, कि चुनाव जीतने हारने इसलिए नहीं है। जो एक वातावरण गंदा सा इस देश में बना दिया है, जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने भारत की जनता के दिमाग पे कब्जा कर लिया है, यहाँ विकास की बात नहीं करती आरएसएस और बीजेपी, यहाँ भाईचारे की बात नहीं करती, भारत में कैसे बेमनस्थिता बढ़े, उनका वोट बैंक बढ़े, पोलराइजेशन हो, इन बातों के अलावा नरेंद्र मोदी और आरएसएस का कुछ नहीं है। उस जहरीले वातावरण को सुधारने के लिए, राजनीति के पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो है। उज्जैन में महाकाल लोक बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, वहां पे एक विशाल जनसभा है और जनसभा से राहुल गांधी जी संदेश देंगे कि हमारे भारत के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बूढ़ी आंखों ने जिस तरह के भारत के सपने को देखा था कि हमारा भारत स्वतंत्रता के बाद कैसे हो, वो सपना चकनाचूर हुआ है। उनके सपनों का भारत फिर से बनाने के लिए हम सारे लोग कृत संकल्पित हों, ये संदेश वहाँ से जाएगा। गृह मंत्री हो चाहे संस्कृति मंत्री हो, कहते चुनावी हिंदू है, चुनाव के टाइम में मंदिर जाते हैं। देखिए, ये तो अब सर्वथा गलत है। जो भी रास्ते में इबादत गाह, पूजा घर जो भी आ रहे हैं रास्ते में, राहुल गांधी की कोशिश है कि हमारा भारत राष्ट्र सेकुलर राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, उसी भावना से कोई मंदिर आ जाता है वहाँ, कोई मस्जिद आ जाए, मजार आ जाए, कोई गुरुद्वारा आ जाए, कि इन सारी जगहों पे वो जाते हैं। ये तो एक सगुफा भाजपा बनाती है, डरी हुई है भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, इतनी भयाक्रांत है, इतनी डरी हुई है कि मैंने तो कहा था छोटे छोटे बिच्छू भी अब डंग मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके डंग में जहर रहा नहीं। देखिए, आप जेपी अग्रवाल साहब जो मध्य प्रदेश के प्रभारी, बहुत सीनियर लीडर हैं दिल्ली से, उन्होंने भारत जोड़ो जो राहुल गांधी की पदयात्रा है जो 20 तारीख को बुरहानपुर में शाम को 7:30 बजे एंटर होगी और 3 तारीख को सुसनेर से ये विदा होगी राजस्थान के लिए, ये पूरा रूट अभी फाइनल हो रहा है। और मैं सोचता हूँ यहाँ पे इस खंडवा जिले के अंदर बोरगांव से देश गांव तक इसका रूट है, उसके पहले बुरहानपुर है, तो ये तैयारी इस बात की उनका बहुत स्वागत है, क्योंकि अभी हम लोग हैदराबाद और कर्नाटक में थे, वहाँ 10-10 किलोमीटर लोग पीछे चल रहे हैं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन हमने कराया है जो PCC के अंदर कंट्रोल रूम, उसके अंदर हजारों लोगों ने इस बात का रजिस्ट्रेशन कराया कि वो पदयात्रा में साथ चलना चाहते हैं और पूरे के पूरे 13 दिन चलना चाहते हैं। ये वो है उत्साह है पूरे मध्यप्रदेश के अंदर, लाखों लोग इस रूट पर पूरे प्रदेश से नहीं, देश से आएंगे, छत्तीसगढ़ से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, उन स्टेट से आएंगे जहाँ पर ये पदयात्रा नहीं जा रही। कांग्रेस और राहुल गांधी को कार्ड नहीं कर रहे, पदयात्रा कर रहे हैं और यहाँ पर जब आएंगे तो 2000 किलोमीटर हो जाएगी।
ये महात्मा गांधी ने की थी या फिर राहुल गांधी कर रहे हैं? मंत्री उषा ठाकुर आई थी, उनका कहना है कि क्या राहुल गांधी जनेऊ का मतलब बता पाएंगे, क्योंकि चुनाव में जनेऊ धारण करते हो और जब मंदिर जाए तो कोई कंठस्थ प्रार्थना सुना पाएंगे क्या? मतलब वो कह रहे हैं कि चुनावी हिंदू है, चुनाव के टाइम उषा ठाकुर धर्म से मंत्री है, एक खास लोग वो भी कभी सुना दो। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें, अंबेडकर चौराहा खंडवा।